जब भी लगाओ बहुत तेज भूख लगी है। उफ, रुक जाओ, भुक्कड़ हो गए हो बिल्कुल। बॉस, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, बोलिए सर, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके ओके सर। क्या हुआ, बॉस का कॉल था क्या? हाँ सर, ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है। ओफो, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? परेशानी वाली बात यह है कि ये प्रोजेक्ट इस शहर का नहीं, किसी विलेज में जाकर करना है, और सबसे बड़ी बात वहाँ नेटवर्क भी नहीं आते, ना फोन कॉल्स ना मैसेज। समझ नहीं आ रहा कि मैं सर से क्या बोलूँ। बोलना क्या है, अरे तुम अपना देखो, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, वरना साफ मना कर दो। मेरा मन तो है, पर ये सोच कर कि तुम यहाँ अकेली रह जाओगी, यही बात मुझे परेशान कर रही है। मेरे बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, और फिर एक साल की ही तो बात है, एक साल बाद तो तुम वापस आ जाओगे। ठीक कह रही हो। अच्छा मेरा ऐसा करो, तुम मेरी पैकिंग कर दो और मैं कपड़े चेंज कर लूँ, ठीक है? अभी जाओगे? हाँ अभी जाना है। देखो अपना ख्याल रखना और खाने टाइम से खाना। अपना ख्याल रखना मेरा। अच्छा सुनो, मुझे भी शॉट मत कर। मीरा तुम भी ना। मीरा एक बात बोलूं? हाँ बोलो। जैसी हो वैसी रहना। मेरी फिक्र मत करो, अब तुम जाओ यहाँ से, वरना लेट हो जाओगे और तुम्हारी बस निकल जाएगी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आदित्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे केबिन में आओ। ओके सर, अभी आ रहा। बैठो। थैंक यू सर। कैसे हो आदित्य? ठीक हूँ सर। काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? बहुत अच्छा चल रहा है। घर की याद आती है? बहुत आती है। तो अब बस तुम्हारे पास 2 महीने रह गए हैं और 2 महीने बाद तुम यहाँ से घर जाने वाले हो। यस सर। और कंपनी के ऊपर तुम्हारी 2 महीने की सैलरी बाकी है। यस। तो मैं यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शंस दूंगा, तुम या तो कंपनी से अपनी ये 2 महीने की सैलरी ले लो, या फिर मैं तुम्हें 3 एडवाइसेस देना चाहूँगा। सर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि मैं एकदम से ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, दिया टाइम, मुझे सोच समझ के अपना फैसला बताना, और हाँ जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। सर मैं आपको अपना डिसीजन बताना चाहता हूँ। बताओ देते हैं। सर वो मैं आपकी 3 एडवाइस लेना चाहता हूँ। क्या तुम ये बता सकते हो कि तुमने एडवाइसेस को क्यों चुना, सैलरी को क्यों नहीं चुना? सर मैंने 10 महीने की सैलरी तो ले ही ली, शायद ये 3 एडवाइसेस मेरी ज़िंदगी में कभी कोई काम आ जाए। तुमने ये फैसला कोई जल्दबाजी में तो नहीं लिया? नहीं सर। ठीक है देते। थैंक यू सर। अगर मैं जंगल क्रॉस करके जाऊंगा तो हाईवे पर जल्दी पहुंचकर बस मिल जाएगी, ये ठीक रहेगा। कभी जिंदगी में अपनी शॉर्टकट्स मत लेना। नेवर टेक शॉर्टकट्स एवर। और उन 3 लोगों की जान चली गई।
जाकर देखता हूं कौन रो रहा है। लिमिट योर क्यूरियोसिटी। सुना है कीर्तन गोपाल घर पे चोरी हो गई है। हाँ, उन्होंने बच्चे की चीख सुन के रात को दरवाजा खोल दिया था। कितना बुरा जमाना आ गया है। मैंने कभी भी चोरी नहीं की। अभी तो सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को बहुत रात में। अभी रूम में ही चले बात तो ले जाते हैं। बहुत हो रहा है यार। दिन रात मेरे जाने से पहले हम दोनों ने डिसाइड किया था जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। Never take immediate actions. कभी कभी हमारी नजरें भी हमें धोखा दे देती हैं और हम हकीकत को ना जानते हुए भी जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं।